सब्सक्राइब करें YouTube चैनल टेक्समेनिया को और बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू YouTube चैनल टेक्समेनिया, मैं हूं सौरभ। सो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकी टॉक्स #2 में। तो दोस्तों, ये है टेकी टॉक्स का एपिसोड नंबर 2, यानी कि टेकी टॉक #2। तो इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो लेटेस्ट अभी न्यूज आई है मेरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग को मैं आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टेक्नोलॉजी विद टेक्समेनिया। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी जो न्यूज है वो है दोस्तों, अगर हम बात करें तो हाल ही में दोस्तों अभी टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन हुआ है और बहुत कम लोग उसे यूज कर रहे हैं, अभी कुछ यूज कर रहे हैं, अभी कम्प्लीटली लोगों ने बंद नहीं किया है। और दोस्तों क्या हुआ था कि जो हमारी जो इंडिया है उसमें क्या है कि लोग टिकटॉक को इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे, बट क्या था, अगर उनको ना मिलता तो उनको थोड़ा सा शायद उनका एंटरटेनमेंट का साधन कम हो जाता, इसीलिए एक ऐप लॉन्च की गई थी मित्रों ऐप लॉन्च की गई थी। तो मित्रों ऐप में क्या था कि वो सेम अल्टरनेटिव टिकटॉक था, समझ लीजिए इंडिया का टिकटॉक। तो उसमें क्या है दोस्तों, सिंपल क्या था कि वो अभी जो है दोस्तों, तो उसका जो डाउनलोड्स है 1 करोड़ पार कर चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में, यानी 1 करोड़ पार कर चुका है। ये पहला माइलस्टोन है हमारे मित्रों ऐप का जो इंडिया में है, और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इसे यूज़ करूँगा, देखूँगा कैसी ऐप है। और आप सब भी यूज़ करिए इस मित्रों ऐप को, क्योंकि इंडिया में बनी हुई है, नो चार्ज। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर है सैमसंग की तरफ से दोस्तों, जहाँ पे आपको एक रूमर यानी कि एक अफवाह देखने को मिल जाएगी, जो कि है कि सैमसंग का S20 लाइट जो है वो लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और वो भी कब, अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है, ये रूमर है दोस्तों। और उसे लोग फैन एडिशन कहते हैं इस सैमसंग का। तो दोस्तों ये जो है बहुत बड़ा सा रूमर जो है वो फैल गया इंडिया में, और ऐसा नहीं है कि सैमसंग जो है कोई फ़ोन नहीं लॉन्च करने वाला है, सैमसंग अपना Z Flip S लॉन्च करने वाला है, Z Flip 5 लॉन्च करने वाला है, तो वो दोस्तों फोन्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, बट ये दोस्तों कम्प्लीटली रूमर है जो कि गैलेक्सी S20 लाइट जो है लॉन्च का। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है OnePlus की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों आपको OnePlus का एक मॉडल जो है वो टीवी का मॉडल 2020 वाला, वो आपको कुछ नए अंदाज में देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो इसके CEO हैं पीटी लाओ, जो OnePlus के CEO हैं, उन्होंने ये ऑफिशियली रिवील किया है कि अब जो हमारी कंपनी है वो टीवीज के यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन पे ज्यादा ध्यान देगी। और क्योंकि उसके स्पीकर्स को तो काफी लोग पसंद कर रहे थे, उसके ब्राइटनेस को, उसके जो रेजोल्यूशन, इसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, बट दोस्तों अब जो है वो थोड़ा सा डिजाइन क्या था थोड़ा सा थी, इसलिए डिजाइन को कम्प्लीटली चेंज करके OnePlus एक ऐसी टीवी बना रहा है जिसकी थिकनेस 6.7 mm होगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको एक उसमें और खास चीज मिलेगी, जो कि 50% एक्स्ट्रा बेस, मींस डीपर बेस होगा, यानी बेस आपको और भी ज्यादा गहरा मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 90 डिग्री सराउंड साउंड का भी इसमें एक आपको वेरिएंट जो है मिलेगा इसमें, तो इससे आप क्या होगा कि आपको ये बहुत बढ़िया जो है एक इफेक्ट देगी सराउंड साउंड वाला। और दोस्तों ये जो कंपनी कहती है वो है कि OnePlus 8 सीरीज जो थी मोबाइल की, उससे भी पतला ये जो है ये टीवी बनने वाली है। सो ये बहुत बड़ी खबर है OnePlus की तरफ से। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है LG की तरफ से दोस्तों, जहाँ पे आपको टोन फ्री ट्रू वायरलेस ईयरफोन एक लॉन्च हुआ है, जो ईयरबड भी आप कह सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि एक सेल्फ केस क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो दोस्तों आप केस में इसको डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ईयरबड है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने LG ने डेवलप की है, और दोस्तों ये जो ईयरबड्स हैं मेरिडियन ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरिडियन टेक्नोलॉजी LG के द्वारा ही बनाई गई थी, सो देखते हैं ये कैसा रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपको मिल जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहाँ पे इंडिया में देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों क्या है, सिंपली कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कहा है कि हम अब से जितने भी प्रोडक्ट्स सेल करेंगे उनमें एक टैग होगा जो कि लिखा होगा किस कंट्री में बना हुआ है, यानी कंट्री प्रोडक्शन टैग होगा उसमें, यानी मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, जो भी है दोस्तों वो आपको देखने को उसमें मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल सब बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इस तरह में उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट चाइना का है और कौन सा प्रोडक्ट इंडिया का है। दोस्तों उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर है ट्राई की तरफ से, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
उसमें दोस्तों ट्राई की एक नई ऐप आई है जिसका नाम है चैनल सेलेक्टर। तो दोस्तों चैनल सेलेक्टर ऐप में सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे दोस्तों क्या होगा कि आप जो है इजीली अपने जितने भी टीवी में जितने आप चैनल्स देखना चाहते हैं उन्हें आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ट्राई ने क्या किया है जिससे आपको इजीली आप इसे अपने चैनल्स को सेलेक्ट कर सकें, इसलिए ये ऐप बनाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। सो दोस्तों फाइनली आज की लास्ट खबर और दोस्तों ये आखिरी खबर है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। और दोस्तों ये जो खबर है वो जापान से आई है और दोस्तों ये खबर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली खबर है, यानी कि आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जापान ने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो कि दोस्तों दुनिया में रिकॉर्ड बना चुका है। उसका नाम है फुगाको सुपर कंप्यूटर। दोस्तों फुजित्सु कंपनी के साथ डेवलप किया गया फुगाको का एक सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है फुगाको सुपर कंप्यूटर, जो कि राइकेन जापान रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। और दोस्तों ये ARM टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इस सुपर कंप्यूटर की दोस्तों जापान जो है पहले इससे भी काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर्स बना रहा है, बट दोस्तों 9 साल से उसका नाम भी नहीं था इस लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि उसने एक ऐसी ARM टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि उसने ARM टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर को यूज़ करके एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बना दिया जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, यानी कि 5 से 10 साल तक अभी ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया जा सकता है, ये ऐसा बताया गया है। और इससे ज़्यादा साल भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इसने डेवलप किया है। अब देखते हैं कि क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं, कितनी तेज़ बढ़ रही है तो इसके हिसाब से कोई भरोसा नहीं है कि कब बढ़ जाए। दोस्तों आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी और इस सुपर कंप्यूटर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टेक्स मेनिया।